दोस्तों कहा जाता है, इज्जत, आदर और सम्मान एक ऐसी चीज है जो मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और रेस्पेक्ट किसी इंसान को तब मिलती है जब उसकी समाज में कोई वैल्यू होती है। अगर आपकी वैल्यू है तो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपके बारे में भला बुरा कहने से पहले 100 बार सोचेंगे। लेकिन अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं है तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, और अगर आपकी इज्जत नहीं है तो लोग आपकी बातों को रिजेक्ट कर देंगे। बिना वैल्यू के, बिना इज्जत के समाज में रहना मुश्किल हो जाता है। लोग आपकी इज्जत तभी करेंगे जब आपकी कोई वैल्यू होगी। तो आप दूसरे लोगों से आपकी वैल्यू और कद्र कैसे करवा सकते हैं, ये हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आप भी चाहते हो लोग आपकी वैल्यू करें, आपकी वैल्यू समझें, आपकी बातों को सुनना पसंद करें, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर प्रोटॉन, सो लेट्स बिगिन। नंबर 7, लेट योर एब्सेंस फील, खुद की कमी महसूस करवाओ। हिमांशु नाम का मेरा एक दोस्त है जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, पंक्चुअल भी है, ऑफिस के हर काम को अपने दूसरे कलीग से भी ज्यादा अच्छे समय पर कंप्लीट कर देता है। इवन अगर वो कंपनी में ना हो तो बहुत सारे काम रुक जाएंगे, लेकिन फिर भी उसका बॉस उसको उतनी वैल्यू नहीं देता जितनी वैल्यू वो डिजर्व करता है। एक दिन वो किसी पर्सनल काम से मेरे पास आया, वो बहुत ज्यादा टेंशन में था। बोला, यार मैं इतने अच्छे से मन लगाकर अपने ऑफिस में काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा बॉस मेरा प्रमोशन नहीं करता और ना ही मेरी उतनी कद्र करता है। तो मैंने उसको एक आइडिया दिया। मैंने कहा कि तुम हार्डवर्क तो कर रहे हो और हार्डवर्क का फल जरूर मिलता है, लेकिन तुम ये नहीं समझते कि हार्डवर्क का फल तभी मिलता है जब वो किसी को दिखे। मैंने उससे कहा कि कुछ दिनों की ऑफिस से छुट्टी ले लो। उसने ऐसा ही किया। उसकी एब्सेंस में उसके बॉस को और सभी को रियलाइज हुआ कि हिमांशु कितना काम करता था। जब बॉस को ये बात पता चली कि हिमांशु हमारी कंपनी का एक पिलर है, उसके बिना बहुत सारा काम रुक जाता है, तो बॉस ने उसका प्रमोशन कर दिया और सभी लोग उसकी वैल्यू करने लगे। हिमांशु की तरह आपको भी अपनी कद्र करवाने के लिए खुद की कमी महसूस करवानी है। सामने वाले इंसान को ये फील होना चाहिए कि ये बंदा हमारे बहुत काम का है। ये फील तभी होगा जब आप मेहनती होंगे, हार्डवर्किंग होंगे और सामने वाले को अपनी कमी का एहसास करवाओगे। सो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको वैल्यू करवाने के लिए हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही सामने वाले को ये सिग्नल देना होगा कि आप कितने जरूरी इंसान हो उनके लिए। बनना है तो नमक की तरह बनो जिसकी उपस्थिति किसी को भी पता ना चले, लेकिन अनुपस्थिति का एहसास सभी को हो। लड़की को इम्प्रेस करना हो तो भी आप ये ट्रिक काम में ले सकते हैं। लड़की के पीछे लट्टू की तरह मत घूमो, बल्कि अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर फोकस रखो। और अगर आप ऐसा करोगे तो लड़की को लगेगा कि यार कितना अच्छा लड़का है, ये और लड़कों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 6, इंक्रीज योर बैंक बैलेंस। दोस्तों कहा जाता है कि अगर जेब में मनी हो तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास पैसा है, नाम है, रुतबा है, तो आपका व्यवहार कैसा भी हो, फिर भी लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी वैल्यू समझेंगे। शतरंज के खेल में मोहरे बदल दिए जाते हैं जब बात वजीर की आती है। लोग तो अमीर को भी गाली देते हैं, गरीब को भी। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अमीर को पीठ पीछे गाली देते हैं और गरीब को उसके मुंह पर। हर चीज में पैसों की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा हो गई है। पैसा बिल्कुल डेटोल के जैसा है, 99 प्रॉब्लम्स को किल कर देता है। और इन 99 प्रॉब्लम्स में ये प्रॉब्लम भी है कि लोग आपकी कदर नहीं करते, आपकी वैल्यू नहीं करते। और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में तो पैसे ने PhD कर रखी है। यकीन नहीं होता तो पैसा कमा कर तो देखो, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा कर तो देखो, फिर देखो कैसे लोग आपकी इज्जत नहीं करते। बट आई नो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से 80% से ज्यादा लोग स्टूडेंट्स हैं, और आपके मन में यही सवाल होगा कि स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ पैसे कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों आज के समय में आपकी एज ग्रुप के स्टूडेंट्स इंटरनेट के सदुपयोग से घर बैठे लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगर आप में राइटिंग स्किल्स है, यानी आप अगर लिखने में अच्छे हो, तो आप ब्लॉग लिखकर या ईबुक सेल करके हजारों रुपए कमा सकते हो। यही नहीं, इसके अलावा ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे आप जीरो इन्वेस्टमेंट से ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो, जिसके बारे में द वेल नोन डिजिटल एंटरप्रेन्योर मिस्टर राहुल भटनागर, जिन्होंने 7 जोश टॉक्स और 3 TEDx टॉक्स दिए हैं, वो खुद बात करने वाले हैं। इनके 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स 1 करोड़ से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं और 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स 50 लाख से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। राहुल जल्दी ही एक फ्री वर्कशॉप कंडक्ट करने वाले हैं, जिसमें वो बात करेंगे 9 ऐसे जेन्युइन और लीगल तरीकों के बारे में जिससे आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। वर्कशॉप में रजिस्टर करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप जैसे ही वर्कशॉप में रजिस्टर करोगे आपको वर्कशॉप का लिंक और फ्री ईबुक्स मिल जाएंगी। वर्कशॉप से पहले आपको और भी रिमाइंडर्स दिए जाएंगे ताकि आप सेशन मिस ना करें।
एंड आई हाईली रिकमेंड यू टू गो फॉर रजिस्ट्रेशन एंड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप। तो जल्दी जाओ डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से अभी रजिस्टर करो। तो चलो अब बात करते हैं अगले टिप के बारे में, जिससे आप दूसरों से खुद की वैल्यू करवा सकते हैं। नंबर 5, स्टिक टू योर वर्ड्स, अपनी बात पर कायम रहें। मैं 31 दिसंबर के दिन अपने दोस्त के घर गया न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। वहाँ कुछ उसके दोस्त भी आए थे, उनमें से एक मनीष नाम का लड़का था जो बड़ी बड़ी फेंक रहा था, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। और उसने हम सभी दोस्तों को ये बोला कि 5 जनवरी के दिन हम सब उदयपुर चलेंगे, इसी बहाने फतेह सागर झील और वहाँ का म्यूजियम भी देख लेंगे। हम सब ने हाँ बोल दिया, लेकिन 5 तारीख के दिन उसने कल्टी मार ली और कहा मैं नहीं आ सकता। अगर नहीं आना था भाई, उदयपुर जाने का प्लान तेरा कैंसिल हो गया था, तुझे कोई काम आ गया था, तो कम से कम फोन लगाकर हमें इन्फॉर्म तो कर देता। लेकिन नहीं, उन भाई साहब ने एन मौके पर ना बोल दिया। ये कोई पहली बार नहीं था, तीसरी बार था जब उसने एन मौके पर पैर पीछे खींच लिए। अब हम सब दोस्तों का उसके ऊपर से विश्वास उठ चुका था। तो कुछ ऐसे ही दोस्त, कुछ ऐसे ही इंसान हम सब की लाइफ में जरूर होते हैं, जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन अपने वर्ड्स के पक्के नहीं होते हैं, अपने कमिटमेंट के पक्के नहीं होते हैं और एन मौके पर सारा मामला रफा दफा कर देते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो बिन पेंदे के लोटे के समान होते हैं, कभी इधर लुढ़क गए तो कभी उधर। ऐसे लोगों की कोई कदर नहीं करता है, इसीलिए बनना है तो राजा दशरथ के जैसे बनो, एक बार जो बोल दे उसे पूरा करो। नंबर 4, कॉम्प्लीमेंट अदर्स, तारीफ। मात्र 3 अक्षरों का ये शब्द आजकल बहुत कम लोगों के मुंह से ही सुनने को मिलता है। तारीफ किसी भी इंसान के काम करने के तरीके में और भी ज्यादा निखार ला सकती है। हर इंसान को तारीफ बहुत ज्यादा पसंद होती है। लोग चाहते हैं कि कोई तो हो जो उनके काम किए और उनकी सराहना करे, उनको अप्रिशिएट करे। When you appreciate others, you show the value of their words or actions. इसीलिए आपको अगर लगे कि सामने वाले ने वाकई अच्छा काम किया है, काबिले तारीफ काम किया है, तो उसे compliment जरूर दें। Number 3, show your talent to others. अपने यूनिक टैलेंट को दूसरों को दिखाओ। कहते हैं कि कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। ये कड़वी सच्चाई है, हार्श रियलिटी है कि लोग आपकी नहीं, आपकी पोजीशन की, आपके टैलेंट की कदर करते हैं। अगर आप में कोई खास बात है जो दूसरे लोगों में नहीं है, तो लोग आपको भाव देंगे, आपको पसंद करेंगे, आपकी कद्र करेंगे। अगर आप में कोई टैलेंट है तो उसे लोगों के सामने लेकर आओ, उस पर काम करो, आपको नाम, दौलत, शोहरत सब कुछ मिलेगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये आपने सुना होगा। आप लोगों को अगर बताओगे नहीं, अपने टैलेंट पर काम नहीं करोगे, अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल नहीं करोगे, तो लोग आपको कैसे जानेंगे और पहचानेंगे। तो अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को बाहर निकालो, लोग आपकी वैल्यू भी करेंगे और आपको एक खास इंसान भी समझेंगे। नंबर 2, बिजी रहो। दोस्तों, कोई भी इंसान उस चीज की ज्यादा कदर करता है जो बड़ी मुश्किल से, कठिनाई से मिलती है। जो चीज हर समय अवेलेबल रहती है उसकी हम नॉर्मली कदर नहीं करते। जो इंसान किसी के लिए हर समय अवेलेबल होता है, लोग उसको हल्के में लेते हैं, उसकी कदर नहीं करते हैं। मान लो आपके कोई 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता है जबकि दूसरे वाला फ्रेंड बहुत बिजी रहता है, कभी कभी अवेलेबल रहता है। तो आपके सामने एक चॉइस है, आप अभी केवल आज अपने दूसरे दोस्त से बात कर सकते हो, उसके बाद वो बिजी हो जाएगा, आप उससे बात नहीं कर पाओगे, तो आप किसे चुनोगे। पहले वाले फ्रेंड से तो आप कभी भी बात कर सकते हो, वो हर समय अवेलेबल है, इसीलिए आप दूसरे वाले को चुनोगे, राइट। इसीलिए खुद को बिजी रखो, हर समय सभी के लिए रेडी मत रहो। नंबर 1, रेस्पेक्ट अदर्स। दोस्तों, अगर आप दूसरों को रेस्पेक्ट दोगे तभी आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। आप दूसरों की वैल्यू समझोगे तभी लोग आपकी वैल्यू समझेंगे, आपकी कदर करेंगे। इसीलिए आपको भी लोगों की कदर करनी चाहिए, उनको जेन्युइनली अप्रिशिएट करना चाहिए। खुद के साथ और दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार आप खुद के लिए दूसरों से चाहते हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपके पास पैसा है, आप में कोई स्किल है, तो सब लोग आपकी कदर करेंगे, और अगर पैसा नहीं है तो आपके अपने भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। तो अगर आप भी ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हो तो राहुल भाई की वर्कशॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जाओ रजिस्टर कर लो। इसीलिए खुद के ऊपर काम करो, खुद को इस काबिल बनाओ कि कोई आपको रिजेक्ट ही ना कर पाए। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो, कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाले पछताएं। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना, और ऐसी गजब की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।